हेलो एक्सपीरियंस वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर Today, we will discuss newspaper analysis dated 24th of September 2022. And if you are finding this analysis helpful, then please like, share, and subscribe. I have also started my UPSC mentorship program, in which I am covering current affairs from several newspapers and magazines and also discussing static parts related to every current affair in detail. If you are interested and want to join this program, for that, you need to visit the Telegram group, and the link of the Telegram group is in the description box. रूपी ब्रीच एन मार्क्स पॉलिसी चैलेंज लेट इट फाइंड इट वैल्यू और बर्न फोर एक्स हाईक्रेट तो रूपी ने यहां पर ब्रीच कर दिया है एटी वन मार्क्स टू दू एस डॉलर इंट्रा डे फ्राइडे अब यहां पर रूपी का हो रहा है डेप्रीसिएशन तो रुपी के डेप्रीसिएशन को रोकने के लिए आरबीआई क्या करता था आरबीआई डॉलर्स को मार्केट में सेल करता था जिसकी वजह से यहाँ पर रुपी का डेप्रीसीशन कम हो सके अब क्वेश्चन ये है कि आरबीआई ऐसा कब तक करता रहेगा As the rupee breached the 81 mark to the US dollar intraday Friday policy makers in New Delhi are in dilemma, with the RBI having burnt forex reserves at a dramatic pace this calendar year. और यहाँ पर हम बेसिकली एक्सचेंज रेट वॉलिटिलिटी को प्रवेंट करने की कोशिश कर रहे थे एंड इंटरवेंशन विच मैनी इन द मार्केट बिलीव इस टू डिफेंड की करेंसी हमारी एक पर्टिकुलर लेवल पर रहे और इससे ज़्यादा यहाँ पर रुपी डेप्रिशिएट ना हो उसके लिए आर अपने फॉरक्स से डॉलर्स को मार्केट में सेल कर रहा था इन जस्ट एट मंथ्स बिटवीन मिड जनवरी एंड मिड सेप्टेम्बर फॉरेक्स रिजर्व्स यहाँ पर डिप्लीट हो गए इस वजह से बाई ऑलमोस्ट नाइन्टी बिलियन डॉलर उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि रुपी का मार्क यहाँ पर एटी वन तक जा चुका है तो ऐसे में और हमारे कितने फॉरेक्स रिजर्व्स डिप्लीट होंगे अगर यहाँ पर आर बी आई ये कोशिश करता रहा कि करेंसी को एक पर्टिकुलर लेवल पर रखा जाए वाइल्ड सस्टेंड हाई इन्फ्लेशन ऑफ सेवन परसेंट प्लस हैज प्रॉमटेड की आर बी आई यहाँ पर इंटरेस्ट रेट को बढ़ाए लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पर जी डी पी ग्रोथ को प्रजर्व करना चाहती है और गवर्नमेंट ये सोच रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट हों और एग्रेसिव तरीके से यहाँ पर इंटरेस्ट रेट हाइक ना हो क्योंकि इलेक्शन भी आने वाले हैं बारह से अट्ठारह महीने में काफ़ी स्टेट्स में विथ सेवरल एजेंसीज कटिंग द जी डी पी ग्रोथ फोकास टू सेवन परसेंट एंड लोअर यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री इज इन अ डेलेमा कि यहाँ पर एग्रेसिव टाइटनिंग ऑफ द मॉन्ट्री पॉलिसी नहीं होनी चाहिए और यहाँ पर जी डी पी के ऊपर फोकस करना चाहिए तो यहाँ पर जी डी पी इंक्रीज़ हो जी डी पी आउटपुट इंक्रीज़ हो और यहाँ पर जॉब्स क्रिएट हो और इसके लिए यहाँ पर आर बी आई को एग्रेसिव टाइटनिंग नहीं करनी चाहिए और दूसरा यहाँ पर एक ये भी पॉइंट है कि जो इन्फ्लेशन है वो यहाँ पर इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है Policymakers in the government as well as the RBI are convinced ki jo large part of inflation hai, it is imported. They are discussing relative advantages and disadvantages of an overt action such as interest rate hike versus covert gradual depreciation of the rupee. नॉर्थ ब्लॉक इज लर्न टू बी लेनिंग इन फेवर की यहाँ पर बेनाइन पेस में रेट हाइक होना चाहिए बाई द आर बी आई रान द एग्रेसिव स्टैंड जो यहाँ पर डेवलप्ड कंट्रीज़ की सेंट्रल बैंक ने लिए हैं ऐसा यहाँ पर आर बी आई को नहीं करना चाहिए और हमें अपनी जी डी पी के ऊपर फोकस करना चाहिए जॉब्स को क्रिएट करना चाहिए अब हम नेक्स्ट न्यूज़ डिस्कस करेंगे इंडिया चाइना बॉर्डर स्टैंड ऑफ अ बायो लेटरल मैटर वी विल स्टे अवे तो ये रशिया एनवॉल का कहना है द रशियन एम्बेसडर टू इंडिया ऑन फ्राइडे दैट द बॉर्डर स्टैंड ऑफ़ बिटवीन इंडिया एंड द चाइना एक बायलेट्रल मैटर है जिसमें रशिया इन्वॉल्व होना नहीं चाहता है ही टुक अ स्वाइप एट द यू एस लेट वेस्ट ऑन द इशू और यहाँ पर जो यू एस है वो सस्पेशन को इंक्रीज कर रहा है बिटवीन इंडिया एंड द चाइना अब यहाँ पर एस फोर हंड्रेड डिलीवरी की बात की गई तो इन्होंने कहा है कि एस फोर हंड्रेड डिलीवरी यहाँ पर टाइम पर ही होगी ऑन द एस फोर हंड्रेड एयर डिफेंस सिस्टम ही सेट द डिलीवरी टू इंडिया इज़ ऑन शेड्यूल फिर यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रशियन प्रेसिडेंट से ये बात कही थी कि ये एरा वॉर का नहीं है और फिर यहाँ पर वेस्टर्न मीडिया और वेस्टर्न लीडर्स इसी सेंटेंस को यूज़ कर रहे थे तो यहाँ पर भी रशियन इन्वॉल्व का ये कहना है द एम्बेसडर सेट वेस्टर्न लीडर्स कन्वीनियंटली पिक्ड पार्ट्स ऑफ द कॉन्वर्सेशन जो कि उनके यहाँ पर एजेंडा को सूट करता है वी हैव बीन वेरी कंसिस्टेंट दैट वी सी दिस इज़ अ बायोलिटरल मैटर बिटवीन इंडिया एंड चाइना और यहाँ पर रशिया जो है वो इन्वॉल्व होना नहीं चाहता है अरबन नक्सल्स एंड सम ग्लोबल बॉडीज ब्लॉकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, पुशिंग फॉर स्पीडी इन्वायरमेंटल क्लियरेंस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स लेकिन यहाँ पर कुछ अर्बन नक्सल्स हैं और ग्लोबल इंस्टीट्यूशन और हैं जो कि मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को नहीं बनना देना चाहते हैं और वो यहाँ पर इन्वायरमेंट का यूज़ करते हैं आई हैव सीन दट इन द नेम ऑफ एन्वायरमेंटल क्लियरेंस हाउ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर इज हेंडर्ड और ये जो कॉन्स्परेसीज की जाती हैं इन्होंने यहाँ तक की इन्फ्लुएंस कर दिया है इवन द वर्ल्ड बैंक एंड द हायर जुडिशरी तो ये यह यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर का कहना है तो यहाँ पर जो बड़ा टॉपिक होता है वो ये है इन्वायरमेंट वर्सेस डेवलपमेंट तो इसके ऊपर आपके पास पहले से पॉइंट्स रेडी होने चाहिए अब हम आगे चलते हैं यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है तो यहाँ पर हम डिस्कशन नहीं करेंगे एस सी टू हेयर प्लीज अगेंस्ट आर्टिकल 370 सेवेंटी एब्रोगेसन आफ्टर दशहरा ब्रेक तो इसमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ कुछ नहीं है यहाँ पर जो आर्टिकल 370 के की एब्रोगेशन था उनको यहाँ पर पटीशंस ने चैलेंज किया था तो उसकी ही हेयरिंग यहाँ पर दशहरा ब्रेक के बाद होगी द सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे सेट इट विल टेक अपन चैलेंजिंग द चेंजेस मेड देंजेसल थ्री सेवेंटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जिसने कि यहाँ पर स्पेशल स्टेटस ग्रांट किया था टू जम्मू एंड कश्मीर एज वेल एज दोज ऑन द फॉर्मर स्टेट्स री कॉन्स्टिट्यूशन इन टू द यूनियन टेरेटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड द लद्दाख तो ये यह यहाँ पर दशहरा ब्रेक के बाद सुनी जाएंगी नेक्स्ट है जम्मू सेलिब्रेट्स लास्ट दोगरा रूलर्स बर्थ एनिवर्सरी तो यहाँ पर लास्ट दोगरा रूलर थे महाराजा हरिंग इन प्रोम टू से बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द लास्ट डोगरा रूलर नेक्स्ट हम आगे चलते हैं एमओ डी इंग्स रुपीस हंड्रेड करोड़ पैक्ट फॉर डूबल रोल ब्रह्मोस मिसाइल तो ब्रह्मोस इज द टू स्टेज मिसाइल विदिड प्रोपेलेंट बूस्टर इंजन इट हैज अ वेरी लो रडार सिग्नल जिसकी वजह से ये काफी स्टेल्दी होता है फायर एंड फर्गेट टाइप मिसाइल है एंड इट कैन अचीव अ क्रूजिंग ऑल्टीट्यूड 15 किलोमीटर टर्मिनल ऑल्टीट्यूड यहाँ पर 10 मीटर का है द एनहेंस्ड रेंज यहाँ पर है 4000 किलोमीटर अब इसका नाम यहाँ पर ब्रह्मोस कैसे पड़ा है तो अम्बिनेशन ऑफ द नेम्स ऑफ ब्रह्मपुत एंड द मॉस्कोवा रेवर तो ब्रह्मपुत और मॉस्कोवा से इसका नाम है ब्रह्मोस तो ब्रह्मोस मिसाइल डेवलप्ड एंड प्रोड्यूस्ड प्राई ब्रह्मोस एरोस्पेस जो कि ज्वाइंट वेंचर है डीआरटीओ का और यहां पर रशिया की, एक कंपनी का, डील और यहां पर किया जाएगा ड्यूअल रोल कैपेबल सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोज मिसाइल का फॉर डिप्लॉयमेंट ऑन वॉरशिप्स ऑफ द इंडियन नेवी तो आपको यहां पर ब्रह्मोज के बारे में बेसिक फैक्ट्स पता होने चाहिए फॉर ये फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है अब हम आगे चलते हैं सपोर्ट ऑल एफर्ट्स फॉर पीस इन यूक्रेन ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स तो यू एन जी ए सम्मिट में यहाँ पर साइडलाइन सब्मिट हुई है ब्रिक्स के फॉरेन मिनिस्टर्स की द ब्रिक्स नेशंस ऑफ ब्राज़ील रशिया इंडिया चाइना एंड साउथ अफ्रीका सपोर्टेड ऑल एफर्ट्स पीसफुल सेटलमेंट होना चाहिए जो यहाँ पर यूक्रेन रशिया का कन्फ्लिक्ट चल रहा है और यहाँ पर पीसफुल रिजोल्यूशन होना चाहिए डिस्प्यूट्स के थ्रू डायलॉग Stressed their commitment to the peaceful resolution of differences and disputes between countries through dialogue and consultation, and supported all efforts conducive to the peaceful settlement of the situation in Ukraine. The ministers also called ki finalization hona chih, or adoption of a comprehensive convention on international terrorism within the UN framework, or inone par strong condemn kiya hai terrorism ko in all its forms and manifestations whenever, wherever, and by whomsoever committed. बर्निंग फ्यूल टू कैरी फ्यूल इंडियाज इथेनॉल प्रोडक्शन फॉर ब्लेंडिंग विद पेट्रोल तो ये थर्टी एट करोड़ लीटर्स था ट्वेंटी थर्टीन फोटीन में ये फोर फिफ्टी करोड़ लीटर्स है दो हज़ार इक्कीस बाईस में एंड विथ सप्लाईज फॉर अचीविंग ट्वेंटी परसेंट ब्लैंड बाई ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स अब बेसिकली यहाँ पर लॉजिस्टिक्स चैलेंज आ रहा है कि डिस्टिलेडीज तक यहाँ पर कैसे मूव किया जाए मूविंग दिस ऑल्टरनेटिव फ्यूल फ्राम डिस्टलेडीज टू ब्लैंडिंग एंड रिटेल पॉइंट्स तो इसके लिए यहाँ पर हम क्या यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पर फ्यूल को बर्न कर रहे हैं फ्यूल को यहाँ पर सप्लाई करने के लिए अब प्रॉब्लम ये है इससे तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा है तो करंटली द एंटायर क्वांटिटी ऑफ इथेनॉल इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड बाय रोड ऑन ट्रक टैंकर्स कैरिंग वन करोड़ लीटर्स वुड रिक्वायर अबाउट थ्री पॉइंट फाइव टैंकर्स तो यहाँ पर कॉस्ट तो इन्वॉल्व है ही साथ में यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस एमिशन भी तो हो रहा है नॉट ओनली इज दिस कॉस्टली बट विल अमाउंट टू बर्निंग फ्यूल टू मूव फ्यूल एंड रिजल्ट इन ग्रीन हाउस गैस एमिशन तो क्या किया जा सकता है यहाँ पर तो वी शुड कंसीडर आल्टरनेटिव ऑप्शंस फॉर इथेनॉल मूवमेंट फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर डेडिकेटेड पाइपलाइंस बना सकते हैं रेल टैंक वैगन्स एंड फेरीज इसके अलावा हम रोल ऑन रोल ऑफ मॉडल का भी यूज़ कर सकते हैं ऑफ मूविंग इथेनॉल ट्रक टैंकर्स प्ली नू नस्तारी प्रेसिडेंट ऑफ द दै दैट ब्राज़ील यहाँ पर कैसे मूव कर रहा है तो ब्राज़ील हैज़ फोर्टीन ऑयल रिफाइनरीज एंड थ्री फिफ्टी फोर इथेनॉल डिस्ट्रीज दैट सप्लाई टू वन सेवेंटी फ्यूल डेपोट्स ऑल ओवर द कंट्री अब डिपोथ को यहाँ पर एंटायरली थ्रू पाइपलाइंस रेल और कोस्टल शिप्स वी हैव बीन यूजिंग मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइंस तो इनका यह कहना है कि आपको डेडिकेटेड पाइपलाइन बनाने की जरूरत नहीं है मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन से भी काम हो जाएगा इथेनॉल प्रोडक्शन हैज़ रिसीव्ड अ बूस्ट थैंक्स टू द गवर्नमेंट्स अट्रैक्टिव प्राइसिंग पॉलिसी लेकिन यहाँ पर जो चैलेंज है वो लॉजिस्टिक्स के मूवमेंट का है कि डिस्टिलरी से यहाँ पर कैसे मूव किया जाए नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं द पीएफआई चैलेंज तो यहाँ पर बात की गई है पीएफआई की पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की नेशन वाइड सर्चेस एंड रेट्स एट वेरियस ऑफिस ऑफ द पीएफआई और इनके लीडर्स को अरेस्ट किया गया तो स्पॉटलाइट आ चुका है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या एक्टिविटीज़ कर रही है द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी विच लेट द सर्चेज हैज़ स्टेटेड कि यहाँ पर एविडेंस है कि पीएफआई के लीडर्स और कार्डर्स यहाँ पर इन्वॉल्व थे टेररिज्म को फंड करने के लिए टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को फंड करने के लिए और यहाँ पर लोगों को बैंड ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के लिए रेडिकलाइज किया जा रहा था पी एफ़ आई वर्कर्स हैव बीन अरेस्टेड इन द पास्ट फॉर कैरिंग आउट पोलिटिकल मर्डर एज वेल और इसके अलावा यहाँ पर लोगों के ऊपर अटैक करना जिन लोगों ने यहाँ पर इस्लाम को इंसल्ट किया है बेसिकली इन्होंने परसीव किया है कि उन लोगों ने यहाँ पर इस्लाम को इंसल्ट किया है और उसके लिए ये लोगों के ऊपर इन्होंने अटैक भी किया है दिस इज़ री इन्फोर्स द परसेप्शन अबाउट द पी एफ आई एज अ ग्रुप जो कि वॉयलेंस को एक टूल की तरह इस्तेमाल करता है टू री इन्फोर्स इट्स पोलिटिकल एजेंडा द पी एफ आई इमर्ज फ्राम अ रेडिकल स्टैंड इन मुस्लिम पॉलिटिक्स जिसकी हमें एक्सेप्टेंस देखने को मिली थी कम्यूनिटी में आफ्टर द डिमोशन ऑफ बाबरी मस्जिद इन नाइनटीन नाइनटी टू वैन से मी द मोस्ट प्रोमिनेंट एक्सपोनेंट ऑफ दिस पॉलिटिक्स तो इसको यहाँ पर बैन कर दिया गया था फिर यहाँ पर उसके बाद न्यू ग्रुप्स इमर्ज हुए दीज आउटफुट्स ऑस्टेंसिबली आर्टिकुलेटेड देयर पॉलिटिक्स थ्रू द प्रज्म पर कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है लेकिन जो लेजिटिमेट पॉलिटिकल एक्शन है ये उसके नॉम्स को वॉयलेट करते हैं द पी एफ आई वॉज फॉर्म्ड इन टू थाउजेंड सेवन जब यहाँ पर मर्जर होता है नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट इन केरला कर्नाटका फोरम फॉर डिग्निटी तो ये तो आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है द पी एफ आई इज नॉट अ मार्जिनल और पॉलिटिकल

इट इज़ अनफॉर्चुनेट दैट द सेवंथ एनिवर्सरी ऑफ द प्रोमलगेशन ऑफ नेपाल कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन मार्ड बाई एन अनफोर्सिन सिचुएशन फॉर एग्जाम्पल चीफ जस्टिस जो है इनके वो यहाँ पर हाउस अरेस्ट में है इससे पहले उनके अगेंस्ट यहाँ पर इम्पीचमेंट मोशन को मूव किया गया था प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी एंड प्राइम मिनिस्टर शेर बहादुर देव हुआ गवर्नमेंट आर एट वॉर क्योंकि यहाँ पर जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने एसेंट ग्रांट करने से मना कर दिया टू अ न्यू सिटीजनशिप बिल द प्रेसिडेंट हाइट एंड सच कंसेंस जब यहाँ पर प्रेसिडेंट यहाँ पर वर्चुअली अटेंड करती हैं चाइनीज़ ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव की मीटिंग को तो यहाँ पर प्रेसिडेंट अटेंड करती हैं चाइनीज़ ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव की मीटिंग को जबकि यहाँ पर कुछ सेक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट में रिजर्वेशन थे उसके बाद भी वो यहाँ पर अटेंड करती हैं थीम ऑफ द कॉन्फ्रेंस वॉज एक्टिंग ऑन द ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव टू मेन्टेन ग्लोबल पीस एंड स्टेबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस अंडरलाइंस द फेलियर ऑफ़ नेपाल्स पॉलिटिक्स की ये यह, यहाँ पर जो चेंजेस किए गए थे एबोलिशन ऑफ द मोनार्की के बाद उसको ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं उसके बाद भी हमें क्राइसिस देखने को मिल रही है द इनस्टेबिलिटी मेंट दैट द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वुड टेक अनदर नाइन ईयर्स इट वॉज प्रोमोलगेटेड जब यहाँ पर मधेसीज के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया था जिनकी डिमांड थी कि उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ द तराई रीजन विद द हिल प्रोविंज वर नॉट मेट इसकी वजह से यहाँ पर ब्लॉकेट कर दिया जाता है ऑफ नेपाल फ्रॉम द इंडियन साइड अगर इलेक्शन यहाँ पर होते हैं तो इस यहाँ पर सिटीजनशिप बिल वाले इशू को यहाँ पर यूज़ किया जाएगा और वापस से इंडिया को इन कैंपेन्स पर इन्वॉल्व किया जाएगा इन द फाइव ईयर सिंस द लास्ट इलेक्शन काठमांडू वॉज अ रिवॉल्विंग डोर ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाई डिफरेंट पोलिटिकल कंबाइन्स विद हार्डली द टाइम ऑफ द इन नेशन टू अड्रेस ग आपको दिख जाएंगे तो, यहां पर पहले बात की गई है, की. तो हम बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं काफी बार सेक्शन में भी आया था दूनियन कैबिनेट अप्रूवल स्कीम कम्स एट अ टाइम जब यहां पर स्कूलिंग सिस्टमे में है क्योंकि दो साल तक यहां पर ऑनलाइन एजुकेशन चली

फोर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क हैव इंफेसाइज इंक्वायरी क्रिएटिविटी डिस्कवरी प्रॉब्लम सॉल्विंग डिसीजन मेकिंग एंड जॉय फुल लर्निंग पी एम श्री स्कूल कुड बिकम द एजेंसी फॉर द चेंज जो यहाँ पर एनविसार्ज की गई हैं बाई द न्यू पॉलिसीज

होप फुल द पी एम श्री स्कूल विल अट्रैक्ट लार्ज इन्वेस्टमेंट फ्राम द सेंटर एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट दीज स्कूल्स प्रामिस की इसमें सारे एस्पेक्ट्स होंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के एवरी रीजन विल हैव पी एम श्री स्कूल्स और यहाँ पर पी एम श्री स्कूल्स यहाँ पर मैंटरशिप प्रोवाइड करेंगे जो भी उनकी विसिनिटी में बाकी दूसरे स्कूल्स होंगे अ वाइड रेंज ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसिस गुड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और यहाँ पर अप्रोप्रिएट रिसोसेज अवेल कराए जाएंगे टू द स्टूडेंट्स द स्कूल विल बिकम कम्युनिटी सेंटर्स आफ्टर द रेगुलर आर्ट्स एंड कन्वर्ट विद एक्जिस्टिंग स्कीम्स फॉर एग्जाम्पल पी एम पोषण सामग्री शिक्षा एंड आयुष्मान भारत अगर ये आइडियल स्कूल्स जो यहाँ पर बात की गई है अगर उसका क्वार्टर भी यहाँ पर अचीव हो जाता है तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिफ्रेंस हो जाएगा टू द एजुकेशनल लैंडस्केप लेकिन यहाँ पर एजुकेशनल लैंडस्केप को यहाँ पर चेंज करना बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होता है बट ऑल्सो एन एक्सपेंसिव प्रोपोजीशन स्पेशली इन द कंट्री जहाँ पर आपको बहुत ज्यादा सोशल इकोनॉमिक गैप देखने को मिले एज अ डॉक्यूमेंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की इंस्पिरेशनल है हाउ एवर ये सिर्फ यहाँ पर पेपर पर रह जाएगी अगर टीचर्स यहाँ पर नहीं मोटिवेटेड होंगे वर्क हार्ड करने के लिए

नेक्स्ट है री न्यूंग आर सिटीज़ फॉर एग्जांपल दिल्ली में एक दिन की बारिश होती है और यहाँ पर फ्लड जैसी सिचुएशन आ जाती है सिमिलरली यहाँ पर बेंगलुरु में कुछ टाइम बारिश होती है उसके बाद पूरे सिटीज़ यहाँ पर वाटर लॉक्ड हो जाते हैं तो यही क्वेश्चन यहाँ पर उठाया गया है इट टुक जस्ट वन डे ऑफ हैवी रेनफॉल इन डेली एनसीआर टू ब्रिंग बैक द फेमिलियर साइट्स ऑफ वाटर लॉक्ड स्ट्रीट्स क्रॉलिंग ट्रैफिक ब्रोकन डाउन व्हीकल्स एंड सिटीजन्स वेटिंग इन नी डीप वाटर सिमरा सिचुएशन बेंगलुरु में देखने को मिली अफोड नाइट अगो अब क्या किया जा सकता है तो यहाँ पर कुछ सोल्यूशंस बताए गए हैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ कंट्रीज़ के मॉडल बताए गए हैं दिस हेरोइंग सिचुएशन इज एन इंडिकेशन ऑफ़ द लैक ऑफ अर्बन प्लानिंग जो कि हमारे सिटीज़ में नहीं है वाइल एवरी मेजर सिटी इन इंडिया हैज़ सैनिटाइज एनक्लेवस एरियाज विद इकोनॉमिक वाइटिलिटी हैव स्प्रंग अप विद लिमिटेड सिविक इन्फ्रास्ट्रक्चर आज सिट इज़ रूटीनली नेग्लेक्ट की एलिमेंट्स ऑफ अर्बन प्लानिंग फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर स्टॉम वाटर ड्रेन्स को इग्नोर किया जाता है अर्बन स्पेसिस को यहाँ पर कंक्रीटाइज़ किया जा रहा है लेक्स और रिवर्स को यहाँ पर नेग्लेक्ट किया जा रहा है बेंगलुरू स्कोड फिफ्टी फाइव पॉइंट सिक्स सेवन आउट ऑफ हंड्रेड इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ मेट्रिक इन द सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स ट्वेंटी ट्वेंटी फिर यहाँ पर डेली का स्कोर बताया गया है In the West, द गार्डन सिटी मूवमेंट जिसमें कि यहाँ पर वॉकिंग एन्वायरमेंट इन द सिटी को डिसेंट्रलाइज किया गया विद अ पुश फॉर प्रोवाइडिंग हेल्दियर लिविंग स्पेसेस फॉर फैक्ट्री वर्कर्स तो आइडियल गार्डन सिटी को यहाँ पर पैन किया गया जिसमें ओपन स्पेसिज होंगे पब्लिक पार्कस होंगे विच कुड हाउस थर्टी टू थाउजेंड पीपल ऑन सिक्स थाउजेंड एकर्स और इसको यहाँ पर सेंट्रल सिटी के साथ लिंक किया जाएगा तो एक मॉडल यहाँ पर यह बताया गया है फिर पेरिस का यहाँ पर मॉडल बताया गया है तो पेरिस में यहाँ पर फिफ्टीन मिनट सिटी का मॉडल है जिसमें सिटी के पंद्रह मिनट में वॉकिंग डिस्टेंस में आपको सब कुछ मिल जाएगा द

नेक्स्ट एवरी इंडियन सिटी शुड आई हैव अ मास्टर प्लान लेकिन इंडिया में आपको प्लानिंग नहीं मिलेगी जो भी यहाँ पर अर्बन डेवलपमेंट हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा हेफ़ाब है द डॉक्यूमेंट वुड इन टेल हाउ सिटी इज़ सपोज टू ग्रो वर्टिकली एंड हॉरीजोंटली अर्बन लैंड को यहाँ पर बेटर तरीके से यूज करने की ज़रूरत है वन लुक एट सेटेलाइट मैप इमेजरी और हमें यह पता चलेगा जो इंडिया की ग्रोथ है वो यहाँ पर अर्बन ग्रोथ है वो काफ़ी हैफ़जात है विद इनफॉर्मल अन प्लान एंड स्प्रॉलिंग नेबर्स डेवलप्ड इन पेडी फील्ड एंड अलॉन्ग लीनियर इन्फ्रास्ट्रक्चर इंडिया हिडन अर्बनाइजेशन ड्रिवन पार्टली बाई आयर स्ट्रेंडेंट डेफिनेशन ऑफ द वर्ल्ड और यहाँ पर वीक इन्फोर्समेंट है बिल्डिंग कोर्ट्स के हेजमेंट की यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट को कैचअप करने की ज़रूरत है मेन वाइल इन प्लेस आपको लैंड यूटिलाइजेशन काफ़ी पुअर मिलेगा कंसिडर यहाँ पर केस ऑफ मुंबई वेयर ऑलमोस्ट वन फोर्थ ऑफ द लैंड इज ओपन पब्लिक स्पेस तो लैंड यूटिलाइजेशन जो पुअर है उसको ठीक करने की ज़रूरत है इंडिया की जो अर्बन डेंसिटी है उसको भी यहाँ पर सोचने की जरूरत है डेंस कंस्ट्रक्शन ऑन द पेरीफेरी ऑफ आर मेजर सिटीज़ फॉर एग्जाम्पल डेली विल इनएविटिवली मीन कि पब्लिक सर्विसेज यहाँ पर स्ट्रेच होंगे और एमिशंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज होगा देन देयर इज क्लाइमेट चेंज और वर्ल्ड बैंक से हमें ये पता चला है क्लाइमेट चेंज में रिड्यूस इंडियाज़ जी डी पी बाई थ्री परसेंट और यहाँ पर जो लिविंग स्टैंडर्ड्स है वो डिप्रेस हो जाएगा बाई ट्वेंटी फिफ्टी मैनी अर्बन एक्सपर्ट साइट टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन जो कि हमारे सिटीज़ को सेव कर सकते हैं रीन्यूम आर्ट सिटीज़ विल रिक्वायर एस की हमें अपने अर्बन टॉपिक्स के बारे में सोचने की जरूरत है इंक्लूडिंग अर्बन डिजाइन अर्बन हेल्थ केयर एफोर्डेबल हाउसिंग सस्टेनेबिलिटी एंड इंक्लूजन नेक्स्ट है टेलीकॉम बिल कंसल्टे मंथ लाइन इंडियन टेली कम्युनिकेशन बिल को प्रपोज किया गया है और ये यहाँ पर रिप्लेस करेगा टेलीग्राफ एक्ट को ओल्ड टेलीग्राफ एक्ट इन एडिशन टू द इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट एंड द टेलीग्राफ वायरस एक्ट ऑफ नाइनटीन फिफ्टी अदर थिंग्स बिल ने प्रपोज किया है कि जो ओवर द टॉप कम्युनिकेशन सर्विसेज है उसको भी यहाँ पर लाइसेंसिंग रिजीम के अंदर लाया जाएगा तो ओवर द टॉप कम्युनिकेशन सर्विसेज को यहाँ पर लाइसेंसिंग रिजीम के अंतर्गत लाया जाएगा द न्यू बिल लुक्स एट डिफाइनिंग ओ टी टी कम्युनिकेशन सर्विसेज ई मेल सेटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन एट्सेट्रा एज पार्ट ऑफ द ब्रॉडर टर्म टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज इट ऑल्सो प्रोपोजेज दैट टेलीकॉम सर्विसेज बी कवर्ड अंडर अ लाइसेंसिंग रिजीम विच इंक्लूड्स कि यहाँ पर गवर्नमेंट डायरेक्टिव के साथ कंप्लाई करना पड़ेगा विच इंक्लूड्स कंप्लाइंग विद द गवर्मेंट डायरेक्टिव टू इंटरसेप्ट कम्युनिकेशन अगर यहाँ पर इन द इंटरेस्ट ऑफ सॉवर्निटी इंटैग्रिटी और सिक्योरिटी ऑफ इंडिया फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरन स्टेट्स पब्लिक ऑर्डर और प्रवेंटिंग इसाइटमेंट टू एन ऑफेंस अब क्वेश्चन ये फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सएप इसमें तो इंक्रिप्शन होता है तो इन्फॉर्मेशन को ये इंटरसेप्ट कैसे कर सकती है गवर्मेंट तो यहां पर इसका भी आंसर दिया गया है बाई द मिनिस्टर देर इज नो क्वेश्चन ऑफ फोर्सिंग डिक्रिप्शन देर इज नो प्रोविजन इन दिस फॉर इंटरसेप्शन ऑन द बेसिस ऑफ अ वेरी क्लियर जजमेंट बाय द सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर क्लियर मैकेनिज्म है विद चेक्स एंड बैलेंसेज नेक्स्ट है यहाँ पर फॉरेक्स रिजर्व कंटिन्यू टू फॉल अमिड रुपीस लाइट डाउन बाई फाइव पॉइंट टू बिलियन डॉलर द नेशनस फॉरेक्स रिजर्व सो एन अदर मैसेव फॉल ड्यूरिंग द वीक सेप्टेम्बर सिक्सटीन जब यहाँ पर फाइव पॉइंट टू बिलियन डॉलर से फॉरेक्स रिजर्वस कम हो गए वाइल सम पार्ट यहाँ पर वैल्यूशन चेंजेस की वजह से हुआ होगा करेंसी एक्सपर्ट्स का ये कहना है जो मेजर यहाँ पर कम हुए हैं हमारे फॉरेक्स रिजर्वस वो इसी लिए हुए हैं क्योंकि सेंट्रल बैंक ने इंटरवीन किया करेंसी मार्केट में रुपी के डेप्रिसिएशन को यहाँ पर प्रिवेंट करने के लिए आगे चलते हैं वाई इंडिया वॉन्स वॉर टू एंड तो ये हम डिस्कस करेंगे ऑन सेप्टेबर सिक्सटीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रशियन प्रेसिडेंट से मिले और उन्होंने उनको बेसिकली यही कहा दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर और यहाँ पर वॉर को खत्म किया जाना चाहिए आई नो दैट टुडेज एरा इज़ नॉट अ वॉर एंड वी हैव स्पोकन टू यू मेनी टाइम्स ऑन द फोन दट डेमोक्रेसी डिप्लोमेसी एंड डायलॉग अद सच थिंग्स दैट टच दॉ टुडे वी विल गेट अ चांस टू डिस्कस कि हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए ऑन द पाथ ऑफ पीस लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि जो पुतिन है वो वॉर को एंड करना चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल पुतिन ने यहाँ पर पार्शियल मोबिलाइजेशन की बात कर दी है तो रशियन प्रेसिडेंट इन स्ट अनाउंसड अ पार्शियल मोबिलाइजेशन ऑन सेप्टेम्बर ट्वेंटी फर्स्ट अब इंडिया क्यों चाहता है कि वॉर एंड हो जाना चाहिए एट अ टाइम वेन इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन रशिया फॉर सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट ऑफ इट्स डिफेंस रिक्वायरमेंट तो हम मिलिट्री सप्लाइज के लिए रशिया के ऊपर डिपेंडेंट है बट एज द रशियन आर्मी इज सीमिंगली स्ट्रगलिंग टू गेट मोर मैन इट इज नॉट येट क्लियर हाउ मेनी ऑफ दीज रिजर्विस्ट आर फिट टू फाइट और इनके पास इन वेपन

वाराणसी कोर्ट ऑन थर्सडे अलाउड अ पटीशन सीकिंग कार्बन डेटिंग होनी चाहिए जो ज्ञान व्यापी मॉस के अंदर स्ट्रक्चर है जेट द हिंदू साइड यहाँ पर क्लेम कर रही है कि ये शिवलिंग है उसकी यहाँ पर कार्बन डेटिंग होगी कार्बन डेटिंग क्या होता है वो हम डिस्कस कर लेते हैं कार्बन डेटिंग इज अ मेथड टू स्टैब्लिश द एज ऑफ ऑर्गेनिक मटीरियल्स जो कि यहाँ पर कभी लिविंग होंगे लिविंग थिंग्स हैव कार्बन इन दैम इन वेरियस फॉर्म्स डेटिंग मेथड इज बेस्ड ऑन द फैक्ट कि सी फोर्टीन जो कि आइसोटॉप ऑफ कार्बन है विद इन अटोमिक मास ऑफ फोर्टीन ये ये रेडियो एक्टिव है और ये एक वेल नोन रेट से डीके होता है द मोस्ट अबंड आइसोटोप ऑफ कार्बन इन द एटमोस्फियर इज कार्बन ट्वेल्व और यहाँ पर वेरी स्मॉल अमाउंट में कार्बन फोर्टीन भी प्रेजेंट है द रेशियो ऑफ सी ट्वेल्व टू सी फोर्टीन इन द एटमोसफियर ये हमेशा स्टैटिक है इज ऑलमोस्ट स्टैटिक एंड इज नोन प्लांट गेट कार्बन थ्रू फोटोसेंथेसिस एनिमल को यहाँ पर मेनली फ्रॉम फूड मिलता है बिकॉज प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट देयर कार्बन फ्रॉम द एटमोस्फेयर तो इसमें भी आपको सी ट्वेल्व और सी फोर्टीन रफली सेम प्रोपोर्शन में मिलेंगे जो कि एटमोसफेयर में है वैन दे डाय देयर इंट्रैक्शन एटमोसफेयर के साथ स्टॉप हो जाता है सी ट्वेल्व इज स्टेबल द रेडियो एक्टिव जो सी फोर्टीन है वो यहाँ पर रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है एंड इट टू वन हाफ ऑफ इट सेल्फ इन अबाउट फाइव थाउजेंड एंड सेवन हंड्रेड थर्टी ईयर्स जिसको कि यहाँ पर हाइफ लाइफ भी कहा जाता है द चेंगे ऑफ सी ट्वेल्व टू सी फोर्टीन इन द रिमेन्स ऑफ ए प्लांट और एनिमल आफ्टर इ डाइज इसको मेजर किया जा सकता है और अप्रॉक्सीमेट टाइम पता किया जा सकता है कि इस ऑर्गेनिजम की डेथ कब हुई होगी नॉन लिविंग थिंग्स में आप इस मेथड को यूज़ नहीं कर सकते हो दो एक्सट्रीमली इफेक्टिव कार्बन डेटिंग कांड भी अप्लाइड इन ऑर इन ऑल सर्कमिस्टांस तो फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर रॉक की एज डिटामाइन करनी है तो ऐसे में आप कार्बन डेटिंग नहीं कर सकते हो तो इसके लिए क्या मैथड है वो भी हम डिस्कस करेंगे इट कॉन्ट बी यूज टू डिटामाइन द एज ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स लाइक रॉक्स ऑल्सो द एज ऑफ थिंग्स जो यहाँ पर फोर्टी थाउजेंड से फिफ्टी थाउजेंड ई ईयस ओल्ड है उसको भी आप डेराइव नहीं कर सकते हो थ्रू कार्बन डेटिंग दिस इज बिकॉज आफ्टर एट टू टेन साइकिल्स ऑफ हाफ लाइफ्स जो यहाँ पर सी फोर्टीन के अमाउंट है वो यहाँ पर अनडिटेक्टेबल हो जाता है देर आर अदर मैथड्स टू कैल्कुलेट द एज ऑफ इन एनिमेट थिंग्स मैनी ऑफ विच आर बेस्ड ऑन द सेम प्रिंसिपल एज कार्बन डेटिंग इंस्टेट ऑफ कार्बन यहाँ पर दूसरे एलमेंट्स का डिकेंग रेट से पता करते हैं कि क्या एज रही होगी तो डिकेज ऑफ अदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स दैट माइट भी प्रेजेंट इन द मटीरियल वो बेसिस होता है डेटिंग मैथड का तो दे आर नोन एज रेडियोमेट्रिक डेटिंग मैथड्स मैनी ऑफ दीज इन्वॉल्व एलिमेंट्स विद हाफ लाइफ्स ऑफ बिलियन ऑफ ईयर टू कॉमनली एम्प्लॉयड मैथड्स यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं रॉक्स डेट करने के लिए आर पोटेशियम आर्गन डेटिंग एंड यूरेनियम थोरियम लेड डेटिंग द रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ पोटेशियम डिकेज इन टू आर्गन और उनके रेशियो से हमें क्लू पता चल सकता है कि रॉक की एज यहाँ पर क्या रही होगी देर आर ऑल्सो मेथड्स टू डिटरमाइन हाउ लॉन्ग एन ऑब्जेक्ट हैज़ रिमेन एक्सपोज टू सनलाइट तो मोस्ट कॉमन यहाँ पर मैथड है दैट इज कॉस्मोजोनिक कॉस्मोजेनिक न्यूक्लाइट डेटिंग इन सम सिचुएशन कार्बन डेटिंग को आप इनडायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं फॉर एक्जाम्पल A way in which the age of ice cores in glaciers and polar regions can be determined by studying carbon dioxide, जो कि यहाँ पर molecules trapped थे inside large आइस शीट्स तो आई होप आपको पता चल गया हो कि कार्बन डेटिंग को कैसे यूज़ करते हैं और अगर यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग्स है तो यहाँ पर एज डिटामाइन करने के लिए कौन से मैथड्स को यूज़ किया जाएगा नेक्स्ट है वॉट बैंकिंग लिक्विडिटी गोइंग इन टू डेफिसिट मोड लिक्विडिटी इन द बैंकिंग सिस्टम रेफर्स टू रियरली अवेलेबल कैश जो कि यहाँ पर बैंक्स को ज़रूरत है अपनी शॉर्ट टर्म बिजनेस और फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए ऑन अ गिवन डे इफ़ द बैंकिंग सिस्टम नेट बरो है फ्रॉम द आर बी आई तो यहाँ पर यह कहा जाएगा कि सिस्टम लिक्विडिटी यहाँ पर डेफिसिट मोड में है लेकिन अगर बैंकिंग सिस्टम यहाँ पर नेट लैंडर है टू द आर बी आई तो इसको यहाँ पर कहा जाएगा कि सिस्टम लिक्विडिटी सरप्लस में है ऑन अ गिवन डे इफ द बैंकिंग सिस्टम इज अ नॉट नेट बोरोवर फ्राम द आर बी आई तो ये कहा जाएगा कि जो सिस्टम लिक्विडिटी है ये डेफिजिट मोड में है और अगर बैकिंग सिस्टम यहाँ पर नेट लैंडर है टू द आर बी आई तो सिस्टम लिक्विडिटी इज सेट टू बी इन सरप्लस अब डेफिजिट क्यूँ है तो मल्टीपल फैक्टर्स आर इट प्ले हेर एंड अपेक इन द बैंक क्रेडिट उसके बाद एडवांस टैक्स पेमेंट बाई द कॉरपोरेट्स एंड ऑल्सो इंक्रीमेंटल डिपॉजिट ग्रोथ जो कि पेस में नहीं है विद द क्रेडिट डिमांड तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से यहाँ पर लिक्विडिटी डेफिजिट मोड में है बिसाइड यहाँ पर आर बी आई लगातार कर रही है रुपी के फॉल को रोकने के लिए रुपी को डिप्रिशिएट होने से रोकने के लिए हाउ विल दिस इंपैक्ट कंज्यूमर्स तो इसकी वजह से जो ईल्ज है वो राइज कर जाएगी गवर्नमेंट सिक्योरिटी की ईल्ज राइज कर जाएगी अ टाइट लिक्विडिटी कंडीशन कुड लेट टू राइज इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज yields एंड subsequently led टू द राइज in इंटरेस्ट रेट्स फॉर consumers too. तो to RBI बी आई इस सिचुएशन से कैसे डील करे तो अगर ये डेफिसिट मोड इस वजह से है क्योंकि एडवांस टैक्स फ्लो हुआ है तो आर बी आई को ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है इफ द करेंट लिक्विडिटी डेफिसिट सिचुएशन इज टेम्पररी एंड इज लार्जली ऑन अकाउंट ऑफ एडवांस टैक्स फ्लो द आर बी आई मे नॉट हैव टू एक्ट एज द फंड शुड इवेंचुअली कम बैक इन टू द सिस्टम नेक्स्ट यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की बात की गई है तो ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो ये हम डिस्कस नहीं करेंगे अच्छा एक बार हम देख लेते हैं इसको व्हाट इज़ नॉर्मलाइजेशन तो सी यू ई टी का एग्ज़ाम यहाँ पर डिफरेंट सेशंस में हुआ डिफरेंट डेट्स में हुआ तो फॉर एग्जांपल जिन बच्चों ने यहाँ पर पहले एग्जाम दिया होगा वो कम प्रेपरेशन कर पाए होंगे जिन बच्चों ने यहाँ पर बाद में एग्जाम दिया होगा वो यहाँ पर ज़्यादा प्रपेशन करके आए होंगे तो सी यू ई टी यूजी was held ऑन मल्टीपल डेट्स एंड मल्टीपल sessions between जुलाई 15 एंड August 30 As अ रिजल्ट देर were डिफरेंट सेट्स ऑफ क्वेश्चन पेपर हर सब्जेक्ट के लिए तो किसी क्वेश्चन पेपर का यहाँ पर डिफिकल्टी लेवल ज्यादा होगा मोर ओवर देर एप्रेंशन की जिन्होंने टेस्ट इनिशियल सेट ऑफ डेट्स में दिया होगा वो ज्यादा यहाँ पर प्रपेड नहीं होंगे जिन्होंने बाद में दिया होगा वो यहाँ पर ज्यादा प्रपेयर होंगे तो लेवल प्लेइंग फील्ड को क्रिएट करने के लिए किया जाता है नॉर्मलाइजेशन द नॉर्मलाइजेशन फॉर्मला इज सपोज टू एड्रेस दीज कंस बाई इशरिंग की कैंडिडेट यहां पर कोई भी बेनिफिट न हो और कोई भी कैंडिडेट यहां पर डिस ज में ना रहे उसके लिए यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन किया जाता है लेवल प्लेइंग फील्ड को क्रिएट किया जाता है तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे